रेसिपी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर लंडी कोतल का भुना हुआ गोश्त। चीजें आपको दिखा देते हैं, बहुत कम मसालों में बनता है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का गोश्त, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी लैम भी, बोनलेस कर लें या बोन्स के साथ, आपकी मर्जी। बोन्स के ज़रा ये होता है कि उसका जायका ज़्यादा आता है सालन के अंदर में, क्योंकि हड्डियों में ही सारी ताकत होती है गोश्त के। तो ये हो गया मटन का गोश्त हमारा। प्याज इसमें जाएगा यानी कि अनियंस, काफ़ी ज़्यादा अनियंस का इस्तेमाल होता है इसमें। टमाटर ज़्यादा सारे ये भी इस्तेमाल होते हैं, टमेटोज बीच में। साथ ही आप कुछ इसके लिए हल्दी, दैट्स टर्मरिक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, बुलेट ग्रीन चिलीज जो मोटी वाली होती हैं। आपको बहुत दफ़ा बताया कि इसमें जायका ज़्यादा और इसकी जो स्पाइसीनेस होती है वो कम होती है, तो ये भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। सिर्फ दरमियान में इसको हम जो हाफ कर लेंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। इसका यहाँ पर गर्म इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे अनियंस हैं यानी कि प्याज जा रहे हैं, और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा बीच में, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, आप इसको इतना कुक करेंगे जब तक कि प्याज जो है गोल्डन कलर का, देख रहे हैं कि इतना आपने हल्का सा उसको गोल्डन कर लेना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि आपके टमाटोज हैं यानी कि टमाटर, और टमाटर डाल लेने के बाद इसको आप हल्का सा पहले कर लें मिक्स। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करते हैं जो कि आपका गोश्त है यानी कि मीट जा रहा है बीच में। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, यहाँ पर आपने फ्लेम हाई रखकर इसको इतनी अच्छी तरह यहाँ पर हम हल्का सा जो पका रहे हैं सिर्फ इतना कि जो टमाटर हैं वो गल जाएं और गोश्त का रंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि फ्लेम आपकी जो है चूल्हे के नीचे हाई पर हो। देख लें कि जो जितना भी टमाटर था वो भी परफेक्टली गल चुका हुआ है, और ये देख रहे हैं आप जो पानी पानी ये गोश्त छोड़ रहा है और टमाटर का है, सिर्फ ये है कि अच्छी तरह गल चुका हुआ है टमाटर जो है यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, गोश्त का रंग भी चेंज हो गया है। यहाँ पर आप सिंपली ऐड करेंगे जो कि आपकी हल्दी है, दैट्स टर्मरिक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट। तमाम चीज़ों को आप पहले करते हैं अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मैं मटन का बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बेबी लैम बनाएंगे तो वो जल्दी पक जाता है, उसका हिसाब आपको ज़रा थोड़ा पानी रखना होगा, और साथ साथ बीच में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड कर लेने के बाद इस तरह मिक्स कर लें, देख लें इसका जोश हो चुका है ठंडा। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, हाई पर ही फिलहाल रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा इस साथ बॉइलिंग, आप इसे कवर करेंगे और उसके बाद आप इसको लो टू मीडियम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि तमाम पानी टमाटर का, प्याज का और गोश्त का जो हमने डाला वो खुश्क हो जाए और जो है तेल वो सरफेस पे आ जाए और मीट आपका जो 100% कुक हो जाना चाहिए। तो जोश का वेट कर लें और इसको लो टू मीडियम पर रखें कुक कर। देख लें जितना भी पानी डाला था गोश्त ने छोड़ा, तमाम ड्राई चुका है, तेल आ गया सरफेस पे और मैंने मटन बनाया परफेक्टली कुक्ड है। यहाँ पर मैंने फ्लेम कर ली थी हाई पर क्योंकि हम यहाँ पर इसको सिर्फ हल्का सा भून रहे हैं। इसमें आप डालेंगे हरा धनिया, दस कोरिएंडर, आपको पता है मैं इसे काट करके फ्रीज कर लेती हूँ, वो देखिए इसका कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर है यहाँ पर। और साथ ही बीच में आप डालेंगे जो आपकी कटी हुई हरी मिर्चें, दस बुलेट ग्रीन चिली, इन्हें डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और गर्मा गर्म नान के साथ में इसको हम सर्व कर देंगे। बनता है आपका सिंपली लंडी कोतल का भुना हुआ गोश्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फुल रेसिपी भी आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।